तो दोस्तों कई बार हम लोग ये वादा आपसे करें और तोड़ दिए। हम लोग Q&A वीडियो करने जा रहे हैं, तो जिसमें आपके जो सवाल है, जो आपको पूछना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, गुस्सा करना चाहते हैं, तारीफ करना चाहते हैं, डांटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, अपने कमेंट के जरिए हर काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके दोस्त इमरान खानी भी। कितने कमेंट आ रहे, अरे रे रे, 4000 कमेंट आ, कितने महीने लगते होंगे जवाब देने? 4000 कमेंट बोले तो आराम से 15 दिन लग जाते। 4000 कमेंटों का जवाब का इशारा दे सकते जी एक वीडियो में? कोशिश करेंगे एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा सवाल के जवाब देने का। और सबसे पहले मैं और इमरान मिलके आपको सभी जो ज्यादा सवाल कुप्पे कुप्पे दो थैले एक एक जो सवाल आए वो सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल ज्यादा क्या आया भाई? सबसे पहले सवाल यह आया कि भाई आप लोग की टीम, आप लोग की जो टीम है वो पहले से फ्रेंड थे या बाद में मुलाकात हुई? और दूसरा सवाल यह है कि आप हैदराबाद में कौन से एरिया में रहते हैं? और मेरी तरफ से रमजान मुबारक और दुआओं की गुजारिश। हाँ, क्या बात है। तो पहले से ऐसा सवाल तकरीबन 150 से 200 लोग करे, 150 से 200। और सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो ज्यादा दूसरे सवाल कॉमन सवाल है उसके जवाब दे देंगे। हाँ। उसके बाद अलग अलग बैठ के सही सुकून से देंगे, क्या बोलते? ओके भाई। सबसे पहला ज्यादा सवाल ये आया कि शादी किस किस की हो गई? कहते मेरी तो हो गई भाई। तुम्हारी? मेरी कहाँ हो गई भाई? मेरा तो मैं बोल दिया, आप इनका नहीं मालूम। अभी 2-3 साल है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह शादी के लिए, अभी एज भी कम है, वो हिसाब से करेंगे। जी मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई मेरी। भाई मेरी भी हो गई शादी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी शादी हो गई। तो दूसरा सवाल सबसे ज्यादा आया कि आप लोग यूट्यूब के अलावा क्या क्या करते? तो मैं तो देखिए यूट्यूब के अलावा कुछ भी नहीं करता हूँ, यूट्यूब ही करता हूँ। उसके साथ हम लोग लाइव इवेंट्स करते और शहबाज भाई मिमिक्री करते, डबिंग करते, ये सब बाकी सारे चीज़ें भी है समझे बैकग्राउंड। मैं और इमरान तो कुछ भी नहीं करते भाई, यूट्यूब करते, फेसबुक करते, इंस्टाग्राम करते, टिकटॉक करते, इवेंट्स करते, शोज करते, ये करते हम लोग, यही है लाइफ। हाँ, यूट्यूब के अलावा फिलहाल तो मैं अभी राइट नाउ तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब एक मेरा पैशन है, इसीलिए मैं शहबाज भाई, इमरान भाई और सब टीम के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ एक न्यू बैकिंग, जैसा कि मेरे एजुकेटेड से रिलेटेड, मैं कुछ करने की कोशिश ज़रूर करूँगा बहुत जल्द। हाँ, मेरा एक बिजनेस है स्क्रैप का, तो हमारे एक पार्टनर है, उन्होंने मैं मिल के दोनों करते, तो ज्यादातर उन्हों ही संभाल लेते, कभी कभी शूटिंग रहे तो मैं इधर टाइम देता हूँ शहबाज भाई के पास। यूट्यूब के इसके अलावा जो है मैं IT रिक्रूटर की जॉब करता हूँ, सीनियर IT रिक्रूटर, तो अमेरिकन बेस्ड कंपनी में। और दूसरा सबसे ज्यादा सवाल ये आया कि आप लोगों की इनकम कितनी है? तो देखिए साहब, यूट्यूब से तो कुछ भी नहीं के बराबर है मसला, यूट्यूब से जो भी आता है वो शूटिंगों में खत्म हो जा रहा, उसके अलावा मैं क्या प्लम्बर के काम पे जाता हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वहां से चलता है। आप? मैं इनके हाथ के नीचे रहता हूँ प्लम्बरिंग में। नहीं भाई, कुछ भी मिल जाता, अच्छा खासा मिलता, ऐसा नहीं बोल के नहीं, लेकिन अभी जब से लॉकडाउन हुआ जब से तो मतलब टोटली नहीं के बराबर है, खाली आप लोगों को एंटरटेन करने और दबा के मेहनत करके सिर्फ करना है, समझिए एक रुपया भी नहीं, क्योंकि पूरा क्वालिटी भी गिरा दिया, 480 कर दिया लास्ट, बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रहा, 15-15 मिनट के वीडियो 5-5 लाख व्यूज आए तो $100 या $50 दे रहा शायद। सही बात है, तो ये दिनों में खासतौर पर बहुत ज्यादा डोनेट करो गिर गया। मेरी इनकम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी होती है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेहतरीन होती। और दूसरा सवाल सबसे ज्यादा सवाल कौन सा है? आप लोग कहाँ पर रहते? मैं तो घर में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है, मैं तो मेरे घर में रहता हूँ। आप कहाँ रहते? मैं भी घर पे रहता हूँ। समझे ना, घर में बस भाई बंजर पे रहते हैं, मैं रहता हाउस नंबर नहीं बोला ना। अच्छा, तो हम लोगों का मैं वो साइड रहता हूँ बंजारा हिल्स के कुकटपल्ली। भाई मैं मुशीराबाद, हमारा हैदराबाद तेलंगाना ग्रीन, उसमें ही रहता हूँ बस। तो ये देखिए हम लोग, और सबसे ज्यादा सवाल ये भी आया कि किसकी क्वालिफिकेशन कितनी है? इससे पहले भी हम लोग जो लाइव करे थे उसमें भी बोले थे, मैं तो 10th के बाद इंटर करा, उसके बाद एक्सीड कर दिया,
आप क्या करें? मैं डिग्री मेरा खत्म पे है समझो, वो भी गैप्स आ गए बीच में। अच्छा, इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा वो भी। अच्छी बात है जी। मेरी क्वालिफिकेशन देखिए, मैं MBA फर्स्ट ईयर करा, लेकिन MBA मैं डिसकंटिन्यूड हूँ, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द मैं कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह, एज सून एज पॉसिबल। मेरा क्वालिफिकेशन है BTech और IT स्ट्रीम से, और जो है मेरी एजुकेशन भी मैं अभी कंटिन्यू करा हूँ, SSC का एग्ज़ाम भी मैं ऑलरेडी दे चुका था, अभी बैकलॉग से इंशाल्लाह निकल जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक, कैसा भी मेरे को आगे पढ़ना है इंशाल्लाह, पढ़ के कुछ करना है इंशाल्लाह। तो ये थे सबसे ज़्यादा सवाल जो सबसे ज़्यादा आए थे, और इसके बाद सुकून से मैं मेरा बोलूँगा, इन्हों इनका बोलेंगे, उन्हों उनका बोलेंगे, उन्हों उनका बोलेंगे। तो दोस्तों कई सारे 4,000-4,500 कमेंट्स आ गए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिनका नाम ले सके उनका नाम ले, और ज़्यादातर नाम हम लोग नहीं ले रहे क्योंकि एक का नाम लिए दूसरे का नाम नहीं लिए, और सेम टू सेम कमेंट्स है, एक के भी सेम है, ऐसे ही जो है 5-5, 10-10, 50-50 कमेंट्स है, तो इसलिए हम लोग जहाँ ज़रूरत है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब जो अच्छे सवाल जो मतलब रिपीटेड नहीं है उनके हम लोग नाम ले रहे, जो रिपीटेड सवाल है उनके सिर्फ जवाब दे दे रहे ताकि आपको जवाब मालूम हो जाए। तो शुरुआत करता हूँ मैं मोहम्मद सैफ भाई शहबाज खान, आप जो है अरबिक लैंग्वेज की तौहीन बेइज्जती कर दे रहे, और जो सर पे आप ऐसा क्यों बन लिए लेबर बने जैसा, क्या बोलना चाहिए? अरे क्या है, अरे क्या दिमाग आ रहे भाई तुम लोग का, नहीं हो नहीं किसे तो भाई आप जो कमेंट करें हमारे सैफ साहब बहुत ही बेहतरीन कमेंट करें, लेबर दिख रहे, मैं हूँ ही लेबर भाई, दिखने का क्या है, आज पहली बार आपको लेबर दिखाऊंगा वीडियो में, लेबर ही हूँ, लेबर वो रहता जो काम कारोबार मेहनत करते रहता उन्हें लेबर है, जो बैठ के आराम करते रहता उन्हें राजा महाराजा है, तो हम तो लेबर है। बिल्कुल सही बात बोले आप, थैंक यू सो मच। गैंगस्टर खलील भाई बोल रहे आपसे मिलना है तो हैदराबाद में कहाँ आना, गैंगस्टर साहब आप बताओ खलील भाई देखिए हम लोग अभी इवेंट्स और मतलब एक ये कोरोना वायरस और ये सब ख़त्म होने के बाद, ये वायरस और ये सब ख़त्म होने के बाद हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि एक फ़ैन मीट रखेंगे ज़रा सब ख़त्म होने के बाद, जब अपन इंशाल्लाह मिलेंगे, क्योंकि अब तो मिल भी नहीं सकते, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इम्तियाज़ राहिल साहब बोल रहे लॉकडाउन के बारे में कुछ अच्छा अवेयरनेस के बातें बोलिए, और जो लोग गरीब लोगों को राशन नहीं पहुँच रहा उनके बारे में बोलिए, हम लोग कई सारे वीडियोस बनाए इसके ऊपर, फिर भी मैं बोलूँगा लॉकडाउन में जो है अपने आस पड़ोसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अगर आपके घर में 2 रोटी बनती है तो 1 रोटी तो भी आप पास वालों को दे दें, यही मैं बोलना चाहूँगा, अब ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे बार बोले हम लोग इसके बारे में, और पड़ोसी की मदद करना उसका हाल पूछना ये हमारा हक है, तो आस पड़ोस में देखिए अपने पड़ोसियों की खैर खैरियत पूछिए, उनकी हेल्प कीजिए। और कई सारे सवाल है जिसमें से भाई आपकी शादी हो गई क्या, हाओ मेरी शादी हो गई, किससे हुई क्या हुई, वो तो मैं इंशाल्लाह बाद में बोलता हूँ, और कई सारे लोग बोल रहे कि भाई आप लोग शुरुआत कैसा करें, शुरुआत ऐसा करें हम लोग इससे पहले के वीडियो में ही बोले थे, शुरुआत जो है मैं मिमिक्री करता था, इमरान जो है RJ और वीडियो चौकी रेडियो चौकी थे, टीवी टेलीविज़न पे और रेडियो पे काम करते थे, तो हम लोग मिलके डिस्कस करें कि अरे भाई कुछ तो भी करेंगे, यूट्यूब का दौर है, तमाशा चल रहा था, हल्का चल रहा, पब्लिक पूरी यूट्यूब पे आई हुई, अपन भी डाल के जरा सही पैसे से कमाएंगे बोल के, फिर आए बात से मालूम हुआ कुछ भी नहीं है बोल के, ऐसा शुरुआत करें हम लोग। और मंथली इनकम कितनी है, मंथली इनकम के बारे में जैसे आप भी हम लोग बोले मंथली इनकम देखिए यूट्यूब पे फिलहाल लॉकडाउन में तो कुछ भी नहीं है, लॉकडाउन से पहले क्या थोड़ी बहुत थी जो हम लोग आपस में मिलजुल के अपना देख लेते थे सभी टीम मेंबर से, और कई सारे जो पोस्ट प्रोडक्शन के वर्क में उसका खर्चा आता है जैसे कैमरामैन कैमरास लेंसेस लाइट्स वगैरह, तो तकरीबन पूरी पेमेंट तो उसमें ख़त्म हो जाती, खाली थोड़ा बहुत खर्चा निकलता समझो, तो डिपेंड टोटली इस पर नहीं रह सकते जब तक आपके 1-2-4 मिलियन फॉलोअर्स नहीं हो जाते, तो मैं आप सभी जो भी YouTube शुरू करना चाह रहे हैं उनको भी बोलूँगा अपना साइड बिजनेस अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हुए आप जो है इसको साइड बिजनेस रखिए, अगर कोई भी करना चाह रहे तो फुल फोकस इस पे मत कीजिए। और कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि YouTube चैनल स्टार्ट करना है तो कैसा शुरुआत करना है, जैसा कि YouTube में भी कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन आ चुके हैं कि 1,000 व्यूज आपको होना 10,000 सब्सक्राइबर्स होना ज़रूरी है, 1,000 सब्सक्राइबर्स होना बहुत ज़रूरी है, और
4000 हर्ट्ज होना बहुत ज़रूरी है और उसके कई सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए भाई, खाली टाइटल डाले तो मोनेटाइजेशन हटा दे रहा, बहुत मुश्किल हो गया यार, और कहीं कुछ खाली के लिए देखो कुछ तो भी दूसरा करो। टिकटॉक पे देखिए साहब खाली लाइकें आ रहे, उसके अलावा कुछ नहीं आता। टिकटॉक क्या, फेसबुक वेसबुक पे भी कुछ भी नहीं आता। अरे फेसबुक पे ही मोनेटाइज हो गया भाई, वो हो गया, 50 वीडियो डालें तो 2 मोनेटाइज रखता हूँ, बाकी के निकाल देता, उसमें भी क्या आपको $5 $10 आते हैं, 2-3 लाख व्यूज हुए। सोहेल शेख साहब बहुत अच्छा सवाल पूछे कि 1 मिलियन होने के बाद आप लोग अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे, क्योंकि हम लोग कंटेंट का ऑलरेडी कंटेंट के ऊपर ही वर्क कर रहे थे जब हम लोग के वीडियो थोड़ा बोले पब्लिक के, अरे भाई वो बात नहीं आ रही, तो जब हम लोग राइटिंग पे ही काम कर रहे थे, हम लोग 1.5-2 महीने राइटिंग पे काम करे, अब देंगे दबा है कंटेंट, बोलते कि लॉकडाउन आ गया। क्या करना बोलो, किस्मत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है और आप लोगों की जो चाहत है मोहब्बत है वो बहुत अच्छी है। हाँ, और सबसे ज़्यादा कमेंट्स ये आए कि आपकी शादी हो गई क्या, आपकी शादी किससे हुई, आपकी शादी किससे हुई, आयशा खान से हुई क्या? हाँ जी हाँ, मेरी शादी आयशा खान से हुई अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से। और कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई उनको वीडियो में क्यों नहीं आ रहे, उन्होंने वीडियोज़ को ही कुछ छोड़ दिए क्या, वो नहीं कर रहे क्या, वो हो गया क्या, ये हो गया क्या, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग जो है आपस में ये बात ऑलरेडी कर लिए थे और उन्होंने खुद बोले थे कि मैं नहीं करूँगी और क्या, क्योंकि वो जब वर्क करते थे तो उनकी कुछ मजबूरी थी उनके घर से लेके, वैसा तो उन्होंने काम करते थे, तो उसके बाद जब शादी हुई तो उन्होंने काम छोड़ दिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह हाउस वाइफ है। और आप लोग हमारे लिए दुआ करिए ताकि अल्लाह हमको अच्छी खुशहाल ज़िंदगी दे, हम दोनों को, आप सभी दुआ कीजिए। और सेकंड कमेंट सबसे ज़्यादा ये है कि भाई सलमान शूटर कहाँ है भाई, सलमान भाई कहाँ है भाई, उन्होंने कहाँ है भाई, अरे भाई उन्होंने नहीं दिख रहे, अरे भाई उन्होंने नहीं दिख रहे। तो देखिए हम लोग के जो वीडियोस होते हैं जिसमें मैं और इमरान जो है हम लोग टीम को लीड करते हैं, और जैसे कि आतिफ भाई है, आमिर है, और हैदर भाई है, लतीफ़ भाई है, शाहरुख है, सभी है, तो जिनका ज़रूरत होती है जैसा कि वीडियो के तौर पे, हम लोग आपस में, हम लोग पहले बात तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं कि अरे भाई टीम में काम करना है तो दोस्ती है, अरे भाई वीडियो करना है, अरे भाई उन्होंने मेरे को वीडियो में नहीं ले रहे, अरे भाई मेरे को नहीं बुला रहे, अरे भाई मेरे को, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप लोग जो कमेंट मारते हैं उससे भी हम लोग को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार जो है हम लोग को बोलते अरे भाई ज़रा उसका जवाब दे दो, हम लोग टोटली लाइट ले लेते, अरे भाई वो वीडियो में उन्होंने दिख रहे, अरे भाई वो वीडियो में इन्होंने दिख रहे, अरे भाई लड़ लिए क्या, अरे भाई वो कर लिए क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़ने झगड़ने की तो बात सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसकी ज़रूरत होती है हम लोग वीडियो में उन्होंने रहते हैं। और कई सारे लोग अपने अपने कामों में बिजी है, जैसा कि मैं बताया कि YouTube के अलावा कई सारे लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम कारोबार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सब लोग अपनी अपनी जगह बिजी रहते हैं। और वैसे भी अभी लॉकडाउन है तो हर कोई अपने अपने जगह बिजी है, इसलिए जो है जो लोग अवेलेबल हैं हम लोग उनके साथ वीडियो बनाते हैं, और जो घर पर रह के वीडियो कर सकते हैं या फिर जो खरीब लोग करते हैं और जो दूर है तो हम लोग उनको नहीं बुलाते, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। क्या आपके माँ बाप आप को सपोर्ट करते? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हमारे माँ बाप हमको सपोर्ट करते, इनक्रेज करते, और जो है मतलब क्योंकि हम ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिसके तरफ से माँ बाप को भी शर्मिंदा होना पड़े, हम ऐसे काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ आपके सपोर्ट से, कि हर कोई हमारे माँ बाप से भी कोई मिला, अरे भाई ये देखो शहबाज के माँ बाप है, अरे इमरान के माँ बाप है, अरे आतिफ के माँ बाप है, तो उनको बोलते हैं अरे भाई आपका बच्चा क्या काम कर रहा, क्या वीडियोज़ बना रहे, क्या मैसेज दे रहे, तो उन लोग भी खुश होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसा कोई काम नहीं कर रहे कि जिससे माँ बाप नाराज़ हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप भी हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अरहान खान UAE से पूछ रहे, नूर भाई आप ये दिनों में सेकंड वाइफ से कैसा मिलते हैं? ये वाइफ सेकंड वाइफ जो है भाई ये वीडियो के हद तक है खाली, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही वाइफ है और इंशाल्लाह एक ही वाइफ रहेंगी। तो यूट्यूब वीडियो में आप लोगों को एंटरटेन करने दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, चौथी बीवी अब हम लोग कर लेते, लेकिन असल में जो है एक से ही दुनिया का जो है खुश है। हाँ शहबाज भाई, क्या आपका ओन हाउस है? नहीं, मेरा ओन हाउस नहीं है, मेरा किराए का हाउस है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, माँ बाप का सपोर्ट है, सब आप सभी की दुआएं हैं, जिस हालत में भी है बहुत अच्छे है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, थैंक यू सो मच। मेरे दिल में कैसा आया कि आप भी एक्टिंग कर सकते हैं, आप भी जो है कॉमेडियन बन सकते हैं? वो ऐसा आया कि कई सारे इंटरव्यूज में मैं बोला, जैसा मेरे को मिमिक्री कोई करता था तो मेरे को बहुत अच्छा दिखता था, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, अरे इन्हें कैसा निकाल रहा, एक आदमी की आवाज़ दूसरा आदमी कैसा निकाल सकता, अरे नमस्कार देवी सज्जन, अरे अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल रहा है ना, तो ये चीज़ों में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर उसके में मैं खुद ही ट्राई करते गया, करते करते सनी देओल, अमिताभ बच्चन साहब और ये मिमिक्री करना स्टार्ट करा, तो ऐसा करते करते मेरे को भी ये चीज़ों में इंटरेस्ट आया और ऐसा करते करते मैं भी शुरू कर दिया, कब कहाँ से यहाँ तक आ गए मालूम ही नहीं हुआ। हैदराबाद इंडस्ट्री का सपोर्ट है, जैसा कि हम लोग स्टार्ट कर रहे थे यूट्यूब चैनल, तो
मैं इन सबको उस्ताद मानता हूँ। हमारे गुल्लू दादा अदनान साजिद खान साहब है, अजीज़ नासिर खान साहब है, अकबर बिन तबर साहब है, और जीशान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और कई सारे हमारे सीनियर्स हैं जैसे कि स्टेज के हामिद कमाल साहब, जानी भाई, सुभानी भाई, और बहुत दिग्गज दिग्गज सबके मैं नाम लेने गया तो भी बहुत लंबा हो जाएगा। जितने भी हमारे हैदराबाद के हीरे जवाहरात है, हर किसी का मेरे को सपोर्ट है। माशाल्लाह बहुत बहुत पहले से सभी का सपोर्ट है और सभी बहुत इंकरेज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे ज़्यादा मेरे को हैदराबादियों का और हमारे तेलंगाना वादियों का और हमारे इंडियन वादियों का और हमारे सभी चाहने वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आप सभी को दिल से सलाम, लव यू, और इसी तरह अपना साथ, सपोर्ट और मोहब्बत बरकरार रखें। लॉकडाउन में मैं बिल्कुल ही सच्ची बात बता रहा हूँ, आप इसको यकीन मानिए मत मानिए। आप अगर कोई मेरे दोस्त अहबाब से आपके कॉन्टैक्ट है या फिर मेरे कोई जानने वालों से आपके कॉन्टैक्ट है तो आप मालूम कर ले सकते हैं। मैं लॉकडाउन में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये पूरे लॉकडाउन में, डेढ़ महीने के लॉकडाउन में, मैं 8 से 10 बार बाहर निकला होगा, वो भी सिर्फ बहुत ही जेन्यून रीज़न के, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर इफ्तारी लाने के लिए या फिर घर का रेशन लाने के, उसके अलावा मैं बाहर बिला वजह निकला ही नहीं लॉकडाउन। टीम में सबसे ज़्यादा मैं टीम को चाहता हूँ। आतिफ खान के आपके सग्गे साले हैं क्या, फिर कैरेक्टर है उन्होंने, जो है मेरे साले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ जो है उनको उन्होंने बहन मानते, और मैं भी आतिफ भाई का साला हूँ क्योंकि आतिफ भाई के वाइफ को मैं भी बहन मानता हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे के साले हैं। आप लोग जो वीडियो में बोलते हैं बिहारी दिख रहा, गाँव वाला दिख रहा, वो वाला दिख रहा, उसकी इज्जत गिराते, बिल्कुल भी हम लोग ऐसा सोच के नहीं करते कि इज्जत गिराना है, सिर्फ हम लोग एक कॉमेडी के ताल्लुक से करते। अगर किसी का हर्ट हुआ होगा तो हम लोग, मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे वीडियोस में ऑलरेडी पहले ये मेंशन रहता ही है कि हमारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही होते हैं, किसी भी जाति धर्म या व्यक्ति का दिल दुखाना हमारा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर फिर भी किसी का दिल दुखता है तो आपकी अपनी प्रॉब्लम है। राइटिंग किससे इंस्पायर हुए? राइटिंग देखिए साहब, मैं अपने आप से इंस्पायर हुआ समझिए आप राइटिंग में, क्योंकि राइटिंग मजबूरी में स्टार्ट करें। वीडियो बनाने का शौक़ था, एक्टिंग करने का शौक़ था, मिमिक्री का शौक़ था, लेकिन मालूम नहीं था कि इसको करते कैसे, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसा है, कॉन्सेप्ट कैसे तैयार करना है, ये सब चीज़ों में मैं खादर खान साहब, मैं उनको उस्ताद मानता हूँ क्योंकि उनके इंटरव्यूज़ में कई सारे जगह उन्होंने बताया कि राइटिंग कैसे करना चाहिए, तो मैं खादर खान साहब से मतलब उनके पॉइंट सीखाऊँ, मतलब कोई भी पकड़ के भाई ऐसा राइटिंग करो, ऐसा लिखो, ऐसा बैठो, ऐसा, मैं कोई भी मेरे को सिखाए नहीं, मैं खुद ही अपने जुस्तजू से देखा, कई सारे राइटर्स को सुना, इंटरव्यूज़ उनके राइटर्स के, और ये वो देखते फिर कोशिश करते करते आ गया समझिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी थोटा फुटा लिखते इंशाल्लाह आगे और अच्छा लिखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह टीम के अलावा भी हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जिनका हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बैक कैमरा जो रहते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो मैं उन सभी को भी ये वीडियो के जरिए थैंक्स अब यू कहना चाहूँगा। हाँ, तो बहुत सारे सवाल ये भी आए कि आप लोग प्रोडक्शन कैसा करते हैं, कोई आपकी जो है टीम है या फिर आप कोई नेटवर्क में आपका चैनल टाइप है, क्या है, कैसा है, प्रोडक्शन के बारे में बताइए भाई, कैमरा कौन सा यूज करते हैं, लेंस कौन सा लेते हैं, लाइटिंग कैसा लेते हैं। तो कैमरा, लेंस, लाइटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क जो है हम लोग का एक कंपनी है जिसका नाम है सिलीमॉक्स, जहाँ पर कई सारे यूट्यूब चैनल्स है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स है हमारे हैदराबाद के, बड़े जितने भी YouTube चैनल्स है सब वही है समझिए आप, और तेलुगु के बहुत सारे चैनल्स है, और सिलीमॉक्स कई सारे मूवीज को प्रोड्यूस करता है और कई सारे टीवी सीरियल्स को प्रोड्यूस करता है और कई सारे इवेंट्स को प्रोड्यूस करता है। तो सिलीमॉक्स नेटवर्क के साथ हम लोग टाइप है और सिलीमॉक्स से हम लोग को पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का हेल्प मिलता है और वहीं से हम लोग का पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है, और मसला भी वहीं से आता, ये बात अलग है कि थोड़ा कमाता होगा लेकिन आता समझे वहां से अच्छा खासा। अनवर दानिश साहब 3-4 सवाल पूछे हैं यहाँ पे, ये कि आप और इमरान एक दूसरे को कब से जानते हैं, और शहबाज भाई आप बॉलीवुड में जाना पसंद करेंगे क्या, और नूर भाई कैरेक्टर कैसा शुरुआत करें, नूर भाई कैरेक्टर कैसा है, और एक क्या था, हॉलीवुड एक्टर फेवरेट कौन सा है, और वीडियो एडिटिंग किस में करते हैं। तो ये 4-5 सवाल आप अकेले पूछ लिए तो कैसा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका जवाब दूंगा क्योंकि कई सारे लोग जानना चाहते हैं सवाल। तो पहला सवाल ये है, जवाब ये है कि आप और इम्मी एक दूसरे को कब से जानते हैं। मेरे को लगता हम लोग कम से कम 12 साल से, मैं शायद 12 या 13 साल से मैं इमरान को जानता हूँ, मेरे को ऐसा याद है क्योंकि बचपन की ज्यादा याद है थे। तो बचपन से समझिए आप 12 13 साल या 14 साल कुछ हो गए शायद, जब से हम दोनों एक दूसरे को पहचानते, एक दूसरे से दोस्ताना है,
और दूसरा सवाल था कि बॉलीवुड में जाना पसंद करेंगे, बॉलीवुड में जाना कौन नहीं पसंद करते बोलो आप? बॉलीवुड में जाना बिल्कुल पसंद करेंगे, लेकिन अच्छा बेहतरीन काम रहना, किराया रहना, कॉमेडी का रहना भाई बॉलीवुड में भी रहता, क्योंकि मेरा एक ही मेरा मैं अपने आप को कॉमेडियन में ही कंफर्ट समझता हूँ कि मेरा मैं सोचता हूँ कि लोगों को हंसाना, क्योंकि आजकल दुनिया में इतने गम है, इतने परेशानियां, इतने टेंशन है, हर दो मिनट को एक फोन आ रहा है, अरे भाई वो ऐसा हो गया, अरे भाई उसको ऐसा करते ना, अरे भाई उसको मार दिया, कभी ये फोन नहीं आ रहा, अरे भाई क्या खुशी की खबर है, 100 फोनों में से एक फोन ऐसा आता। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर किसी को एंटरटेन करना, हंसी मजाक, हर कोई अपने से खुश रहना, अपने को देखते कि लोगों के चेहरों पे हंसी आ जाना। तो मैं कॉमेडी का रोल रहा तो बिल्कुल कहीं पर भी करूंगा, बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड बॉलीवुड जॉलीवुड टॉलीवुड कहीं पर भी कौन सा भी वुड रहा तो बस है खाली मजबूत रहना वुड। वीडियो एडिटर कौन सा यूज करते हैं? वीडियो एडिटर तो जैसा कि मैं भी बोला आपको, पोस्ट प्रोडक्शन पूरा सिनेमॉन्क्स हम लोग का मैनेज करते, तो सिनेमॉन्क्स पे ही कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे जो कि ईयरली या मंथली उसको खरीद के करना पड़ता, बहुत ही FCP करके एक सॉफ्टवेयर है, तो उसपे वीडियो एडिटिंग होती है हमारी। हीरो कौन सा फेवरेट है? हॉलीवुड में जिम कैरी मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि उनके मूवीज बहुत खतरनाक मूवीज, कॉमिक मूवी जो है, जिम कैरी मेरे को बहुत पसंद है हॉलीवुड में। नूर भाई की शुरुआत कैसे हुई? नूर भाई की शुरुआत ऐसे हुई कि नूर भाई जो है एक कैरेक्टर थे, लेकिन उनको देख के हम थोड़ा सा हमारे माइंड में आया कि अरे भाई एक आदमी ऐसा बात करेगा तो कैसा करेगा, और उन्होंने ये बात करेंगे, अरे भाई ये मिलानी है वो मिलानी है, मिर्ची मसाला मिला के हम लोग एक कैरेक्टर बना दिए उसको, और वो कैरेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत पसंद आया। वो कैरेक्टर के पीछे हम लोग बहुत काम करें, काम इन द सेंस वो कैरेक्टर कैसा बोलेगा, वो कैरेक्टर क्या करेगा, रियल कैरेक्टर जो है वो टोटली ऐसा नहीं है कि जैसा हम लोग प्ले करते हैं, वो अलग है, सिर्फ एक नाम हम लोग यूज करें समझिए, फिर नाम भी नहीं, मतलब एक थोड़ा सा एक छोटी झलक, उसके बाद हम लोग को आइडिया आ गया दिमाग में, अरे भाई उसको ऐसा भी करेंगे, पान खिलाएंगे, टोपी पहनाएंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ये करते करते हम लोग डिजाइन करें और पब्लिक को बहुत पसंद आना शुरू हो गया। नूर भाई बोलते कि पब्लिक आंदो बोलती है, अस्सलाम वालेकुम मियां, क्या बोल रहा, सही बोल रहा नहीं बोल रहा, वही बच्चे का है अपने, देखो कमेंटा मारो बच्चे फौरन। बॉलीवुड में नूर भाई का कैरेक्टर है तो बिल्कुल करना पसंद करेंगे। हाल ही में एक फिल्म आई थी बागी 3, इसमें नूर भाई का कैरेक्टर से इंस्पायर होकर कैरेक्टर लिखा गया, कई सारे लोग मेरे को कमेंट और मैसेज करके बोले, और मैं बड़े बड़े लोगों से भी मेरी बातचीत चल रही इस बारे में। तो बिल्कुल करेंगे भाई, ये तो जो बोल रहा था मैं हमारे बने में आने के वास्ते बिल्कुल करेंगे, कहीं को नहीं करेंगे नूर भाई, लेकिन क्या है सुनते थे भाई कमसे भी डायरेक्टर को, मैं को जाना पड़ता नूर भाई के साथ, फिर नूर भाई किराक खाते थे, गलत है ये शायद तुम ऐसा ही बोलते नूर भाई, इफ्तेखार इत्तू साहब। तीन सवाल है। इस लॉकडाउन में किस किस की फुटी? इस लॉकडाउन में किस किस की फुटी? मेरी तो नहीं फुटी। सिगरेट एंड आरंडी कहां से ला रहे? ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं आरंडी खाता हूँ, नूर भाई पान खाते खाली, वो नूर भाई से पूछना पड़ेगा नूर भाई कहां से लाते। और कौन कौन घर में बर्तन कपड़े धोए? मैं तो बर्तन धो रहा हूँ इफ्तारी के वक्त, इफ्तारी भी काट रहा हूँ, कभी दिल वाला तो खाने में भी हाथ फिरा रहा हूँ, और घर की साफ सफाई भी कर रहा हूँ, इसमें छुपाने का और झूठ बोलने ये तो मैं कर रहा हूँ। सऊदी से इफ्तेखार इब्बू साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हम लोग, ये जो है घर का काम करने शर्म गई कि अपना घर अपन काम नहीं करेंगे तो क्या बाहर वाला के काम करेगा। असरार मोहिउद्दीन साहब बोल रहे हैं, शहबाज भाई रिक्वेस्ट है आपका फोन नंबर दीजिए ना, और कई सारे लोग हमारे फोन नंबर पूछते हैं, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि मैं फोन नंबर नहीं दे सकता हूं भाई, आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, क्योंकि पहले हमारी बीवी के ऊपर बहुत शक करती हुई, आप यकीन मानो मैं काम से नहीं बात कर रहा हूं, तो किससे बात कर रहे हो, अपनी कॉल हिस्ट्री निकाल के पूरा डेटा चेक करती है, आपको नंबर दिया फोन आया तो फिर नहीं लड़ा झगड़े शुरू होते हो, इधर प्लीज खुदा कैसे नंबर रखो मंगो भाई, दूसरा क्या मांगते मंगो ऐसे छोड़ के। ईमेल आईडी देखिए ayankhan.ak157@gmail.com, ये है मेरी gmail आईडी। अलिशबा खान पूछ रहे हैं कि हमारे पास कितने सिल्वर प्ले बटन्स है? हमारे पास तीन सिल्वर प्ले बटन्स है, एक शहबाज खान, एक इमरान खान इम्मी और एक किराक हैदराबाद इसका, और एक बहुत जल्दी आतिफ खान साहब का भी सिल्वर प्ले बटन आने वाला है, और एक गोल्ड प्ले बटन है शहबाज खान यूट्यूब चैनल का, और एक गोल्ड प्ले बटन आने वाला है किराक हैदराबाद इस यूट्यूब चैनल का। क्या आपके पूरे रोजे होते? अल्हम्दुलिल्लाह
दो साल से तो पूरे हो रहे, कई साल से पूरे हो रहे और इस साल भी इंशाल्लाह पूरे होंगे उम्मीद है। समेरा कमेंट करे हैं जिनका नाम सानिया है, उन्होंने ये पूछ रहे हैं कि ये जो वीडियो शूट करें ये घर आपका है? जी हाँ, ये घर मेरा तो नहीं है, RCC का है और हम लोग यहीं शूट करें। और आप कहाँ रहते हैं? मैं जैसा कि बोल दिए बंजारा हिल में रहते, बंजारा हिल्स वो साइड रहता हूँ पूरा कोने में, क्योंकि नहीं हमारा घर चेंज करते रहते ना, इसलिए पक्का एड्रेस नहीं रहता समझो। हाँ, कितने केस आए मेरे पास? 735 केस थे जो मैं हाल ही में क्लोज करा, मेरी शादी होती कि पूरे केसा बंद कर दिया, वो अलग केसा थे। नए यूट्यूबर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं इससे पहले भी एक कमेंट में किया हूँ, बताया हूँ कि आप लोग जो है अपना कुछ साइड बिजनेस करिए, अपना एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और अपने कुछ अच्छा करने पे ध्यान दीजिए। और यूट्यूब अगर स्टार्ट कर रहे तो आपको बहुत ही ख़तरनाक होना पड़ता, एक एक सेकंड में आपके पास कुंटलों के हिसाब से मसाला होना पड़ता, उसके बाद भी जो है रेवेन्यू टोटली बहुत कम आता हुआ ऐसा लॉकडाउन में देखो, पूरा बंद हो गया रेवेन्यू। तो YouTube जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं दबा के आप लोग मेहनत करिए, पहले तो अपना एजुकेशन पे फोकस करिए। अगर आप एजुकेटेड है या पढ़े लिखे हैं तो पहली बात तो आप YouTube करेंगे नहीं मेरे ख्याल से, कुछ अच्छा बिजनेस कर लेंगे, साइड में एक आध वीडियो रहे भाई चलो हफ्ते में बना लूँगा ऐसा सोचेंगे आप, क्योंकि YouTube पे वही बंदा रह सकता है जिसके पास जो है मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है 10 मिलियन 50 मिलियन है, क्योंकि रेवेन्यू के लिए आप वीडियोस बनाते करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और तो रेवेन्यू ही दबा के नहीं आया तो फिर था पोस्ट प्रोडक्शन के साथ में आर्टिस्ट ये वो अला फला तो वो नहीं हो सकता, इसलिए दबा के मेहनत करना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे व्यूज़ आए और ताकि अच्छी इनकम आए। सैफ उमर पूछ रहे हैं, किराक हैदराबादीस आप लोग जो है टॉप यूट्यूबर्स है तेलंगाना में, तो आप लोग जो है और दूसरे भी जो यूट्यूबर्स है फेमस यूट्यूबर्स है जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, हैदराबाद डायरीज है, वरंगल डायरीज है, बैगन वाइंस है, तो ये लोग के साथ कोलैप्स क्यों नहीं करते? हम लोग कोलैप्स ऐसा करने वाले थे, एकदम ये कोलैप्स हो गया लॉकडाउन तो हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं इंशाल्लाह, बैगन वाइंस हो या हैदराबाद डायरीज हो, वरंगल डायरीज हो, हम लोग ऑलरेडी प्लान चल रहा है इसके ऊपर, चल रहा है करते कुछ करते। डायनामिक इरफान इनका नाम है, शेख इरफान, इरफान साहब पूछ रहे शहबाज से मेरा सवाल है कि दोस्तों में लड़ाई झगड़े होते या नहीं होते? जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता वहाँ पे दोस्ताना ही नहीं रहता, क्योंकि लड़ाई झगड़ा उसी से होता जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और जिससे आप मोहब्बत करते उसी से आपकी नाराजगी होती, जिससे आपकी नाराजगी होती लड़ाई झगड़ा भी उससे होता। लड़ाई झगड़ा इतना से इंसान है आपको लग देता हूँ डाल देता हूँ मार देता हूँ वैसा लड़ाई झगड़ा नहीं यार, तुम गलत करे यार, नहीं करना था तुम वैसा, अरे भाई तुम करे ना, अरे तुम करे यार छोड़ा जान दे, बीच में एक जाना था अरे जान दो कोई भी करेगा यार खत्म करो, ऐसे लड़ाई झगड़े होते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और रमज़ान बहुत बहुत मुबारक जी। मैं नूर भाई का सग्गा साला नहीं हूं, जैसे कि नूर भाई बताए अभी आप देख सकते हो, अभी नहीं भाई नहीं ये देख सकते आप लोग, मेरा असली पेट नहीं है, वो कैरेक्टर में कुछ अंदर रख लेता हूं मैं, तो जैसे कि फ़नी लगना करके बस इसीलिए वो कैरेक्टर अंदर लगा लेते हो। मैं देखिए शहबाज खान और किराक हैदराबादी के साथ बहुत साल से हूँ, मैं शहबाज खान के साथ अब से जब से नहीं बचपन से हूँ, मैं समझता हूँ 17 या 18 साल से मैं शहबाज भाई के साथ में हूँ, बहुत छोटा था तब से, तो बाद में YouTube शुरू करे हम लोग लेकिन साथ में तो बहुत पहले से। ये देखिए ये इंस्पायर किससे हुए पूछ रहे आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है, ये इंस्पायर होने का शहबाज भाई से ही इंस्पायर हुए, 100% शहबाज भाई से इंस्पायर हुए, क्योंकि एक्टिंग क्या है डायलॉग क्या है हमको अभी भी नहीं मालूम, अभी तक भी नहीं मालूम, शहबाज भाई ऐसा बोलते, आप लोग देखते होंगे मेकिंग वीडियोस में जब डालता हूँ तो शहबाज भाई ऐसा बोलते ये बोलना है ऐसे अंदाज में बोलना है तभी मैं वैसे अंदाज में बोल सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी एक्टिंग जो पसंद करते हैं, मेरे को जो पसंद करते हैं, मेरे कैरेक्टर को जो पसंद करते हैं, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। बस आप लोगों को हंसाने के लिए मैं जो है पेट लगा के बैजान बैजान करके कॉमेडी करने की कोशिश करता हूं, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। गे की एक्टिंग बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है, गे की एक्टिंग के अलावा मेरे को फ़कीर का रोल, भिखारी का रोल या चोर का रोल कुछ भी दिए तो शहबाज भाई जैसा रोल देंगे वैसा मैं करूँगा, और आप लोगों के हंसाने के लिए भिखारी पोछा मारने वाला चपरासी जो बोले वो बन सकता हूँ। मेरे चाहने वालों को बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों के माँ बाप है, मेरे माँ बाप नहीं है तो मेरे माँ बाप के लिए दुआ भी कीजिए, और जो है आप लोगों के माँ बाप की आप कदर कीजिए, माँ बाप दुनिया में ऐसी नियामत है एक बार चले गए तो कोई भी आपको पलट के देखता नहीं, ना ख़ानदान वाला ना कोई कुछ,
खैर मुँह से खाली बोलते लेकिन कोई कुछ नहीं करता आपका हाथ पकड़ के। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और अपने माँ बाप को झिड़कियाँ मत दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा झिड़कियाँ दे रहे हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा। तो प्लीज़ 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 मेरी गुजारिश है आप लोगों के, आप लोग अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। तो मेरे सवाल में सबसे ज़्यादा सवाल ये आए कि भाई आपकी शादी कब है, आप शादी कब करने वाले हैं और आपकी गर्लफ्रेंड कौन है। और कमेंटों में ये भी आ रहा कि फराह खान आपकी गर्लफ्रेंड है क्या बोल के। तो फराह खान गर्लफ्रेंड नहीं है, फराह खान हम लोग पूरी टीम की दोस्त है और हम लोग साथ में काम करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात शादी करने की, तो शादी इंशाल्लाह 2-3 साल के बाद करेंगे, जब तक करियर पर फोकस करना है। और फरा की बात जहाँ तक है, फरा ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा कुछ भी डाउट ना करो। ऐसा किसके बारे में ऐसा नहीं बोलता ना, गलत बात है। अब लोग कमेंट ना कर रहे तो वो हिसाब से मैं जवाब दे दूँ। तकरीबन 100 के करीब ऐसे कमेंट्स है इसकी शादी कब है, शादी कब है। तो इंशाल्लाह 3 साल के बाद में करेंगे करियर, जब तक फोकस करके ज़बरदस्त उसके बाद करेंगे इंशाल्लाह। तो मुंबई जूहू बीच के पास में अलीशा मेरे को मिले थे, अलीशा का कमेंट आया। तो अलीशा 6 ईयर्स के हैं, बहुत टैलेंटेड है, उनके टिकटॉक्स भी देखा मैं ज़बरदस्त। और मैं एक इंस्टाग्राम पे फोटो डाला था जिसमें डायरी मिल्क पकड़ के था, तो अलीशा दिए थे। तो अलीशा मेरे को कमेंट्स भी करे और पर्सनल मैसेजेस भी करे। तो अलीशा ये आपके लिए था कमेंट्स, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड और एकदम किराक वीडियोज़ बनाओ टिकटॉक पे। महारूफ सिद्दीकी हाय अस्सलाम वालेकुम, योर टीम इज़ बेस्ट, आई लाइक यू वेरी मच, प्लीज़ गिव माई आंसर्स। माई फेवरेट शहबाज खान, विच इज़ योर फेवरेट फूड। शहबाज भाई का फेवरेट फूड तो खाली शहबाज भाई जहाँ तक हम लोग साथ में खाते बर्गर्स KFC वगैरह हम लोग खाते थे, अब उन्होंने ज़रा परेस कर रहे उस पर, तो अब क्या है कि नया उनका। तो और साथ में है इमरान खान इम्मी, विच इज़ योर फेवरेट गेम। मेरी गेम तो भाई हम लोग आज तक फ़ोनों में गेम कभी नहीं खेले ज़िंदगी में, दूसरे आउटडोर गेम्स हम लोग के फेवरेट है बहुत सारे है वो। तो ये एक सवाल था महरूफ सिद्दीकी का। फेवरेट फूड बिरयानी, ऑब्वियसली हैदराबादी अपन तो बिरयानी जब बोले अब एनी टाइम चलती बिरयानी दबा के। फेवरेट ड्रिंक, कभी ज़्यादा तो रेडबुल पीते थे लेकिन अब छोड़ दिया रेडबुल पीना, अब खाली रोफ़ज़ा चल रहा। और ड्राइव बोले तो साथ में लॉन्ग ड्राइव कहीं भी। लॉकडाउन में देखो घर में ही रह रहे भाई फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली के साथ रहना बहुत पहले टाइम मिलता था, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से फैमिली के साथ टाइम मिल रहा, तो घर वालों के साथ खाना ना पका ले रहे कर ले रहे, ऐसी टाइम पास हो रहा। ये साल रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ, और मस्जिद तो बंद है आप लोगों को मालूम है, तो घर वालों के साथ 5 वक्त की नमाज़ जमात के साथ घर में ही हो रही। तो अपने घरों को मस्जिद बना लिए हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे के सारे लोग भी ऐसे ही कर रहे होंगे। तो रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह घर में गुजर रहा, तरावी वगैरह सब घर में हो रही, रोज़ा वगैरह ईच एंड एवरी थिंग अल्हम्दुलिल्लाह। YouTube चैनल बनाने का आइडिया देखिए, अगर इसके बारे में अपन बात करेंगे तो तकरीबन एक 15-20 मिनट लग जाते, तो इसका एक अलग वीडियो बना के इसके बारे में हम लोग मैं और शहबाज से मिल के आप लोगों को डिटेल बोलेंगे। हम लोग लॉकडाउन से पहले आप यकीन मानो नको मानो 25-30 वीडियोस के कॉन्सेप्ट्स रख ले के रेडी बैठे थे एकदम किराक, खाली निकल के धूम मचा देना है, खाली गोमा कर देना है खाली बोल के, वो स्क्रिप्ट ना जैसे क्या वैसा रखे हुए है। खाली लॉकडाउन ख़त्म होते कि बाहर निकल के सही शॉट बताना है, 25-30 वीडियो शूट करना है, उसके बाद आप लोगों का बोलना खाली कैसा कंटेंट है। फिल्म वगैरह का प्लान तो बहुत पहले था लेकिन उसके बाद में हम लोग प्लान को लाइट ले लिए, क्योंकि फिल्म आजकल बॉलीवुड के नेचर रहे, तो अपन हैदराबादी फिल्म बनाए क्या करेंगे। तो फिल्म का देखेंगे, बैनर के ऊपर डिपेंड करता हुआ, अगर अच्छा बैनर रहा एकदम किराक जैसे कि संजय लीला भंसाली वगैरह इन लोगों के अगर ऑफर आए तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, अभी करेंगे ज़बरदस्त। सलमान भाई बुलाते कि पैदल भागेंगे वो यहाँ से मुंबई को, बगैर फ्लाइट के जाएंगे। गर्लफ्रेंड तो एक भी नहीं है भाई, खुली बात, फ्रेंड्स भी नहीं है जहाँ तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि गर्लफ्रेंड और फ्रेंड बनाने टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हम लोग दोस्तों उतना ज़्यादा टाइम एक दूसरे को देते और काम में ज़्यादा फोकस करते, तो टाइम ही नहीं मिला वो चीज़ का। तो कुछ कुछ ऐसी फ्रेंड है समझो, ऐसा नहीं कि बहुत खास फ्रेंड्स भी बोल के नहीं, कुछ ऐसी फ्रेंड्स है लेकिन गर्लफ्रेंड तो बनाने टाइम ही नहीं मिला, डायरेक्ट निकाह करेंगे इंशाल्लाह। मेरे फैमिली में देखिए मेरे को 6 टोटल इंक्लूडिंग मी, मेरे को मिला के 6 भाई हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, वालदा वालिद है, बड़े भाई है, भाभी है, सब है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरों का अगर बैकग्राउंड पूछेंगे आप लोग तो बैकग्राउंड तो सबका अपना अपना अलग अलग पर्सनल प्रोफेशन है, सबका अलग अलग है, वो बता दो बाद में। ये एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा चलते चलते आ जाती बोलते ना वैसा, मतलब एक लाइफ में एक पैशन था कि भाई बचपन से अरे हीरो बनेंगे हीरो बनेंगे भाई बोल के, तो एक हैदराबाद के आप लोगों को हंसाने वाले हीरो बन गए हम लोग किस्मतों से, मैं शहबाज भाई किस्मतों से एक दूसरे को मिल के आज आप लोगों को एंटरटेन कर रहे।
फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि भाई हम लोग जैसा 1 मिलियन है आज, 10 मिलियन तक जाना बोल के हम लोग का एक ड्रीम है, तो ये ड्रीम को पूरा आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए, जिस तरह से 1 मिलियन तक आप लोग सपोर्ट करें तो ऐसे ही सपोर्ट करिए। इंशाल्लाह 10 मिलियन तक हम लोग आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे इंशाल्लाह। YouTube स्टार्ट करने से पहले मैं टीवी चैनल पे एंकर था, रूबी चैनल, व्हाट्सएप चैनल, और साथ ही साथ मैं रेडियो 107.8 पे रेडियो जॉकी था। तो वो करते करते YouTube भी करते थे, लेकिन उसमें टाइम मैनेज नहीं होने की वजह से वो सब छोड़ के मैं, शहबाज भाई, हम लोग पूरे मिलके इसमें टाइम दे दिए। तो आज सिर्फ यूट्यूबर ही है और सिर्फ आप लोगों को हंसाने की कोशिश करते। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अम्मी से पूछ के बोल दो, ये बस आप लोगों की प्यार और मोहब्बत का नतीजा है बस। अच्छा, तो ये सवाल लाए कैमरा के पीछे नूर भाई बैठे हुए। नूर भाई, आप आमिर के सगे भाई है क्या बोल के? ऐसे मेरे को बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, तो आप एक क्लैरिफाई कर देना था। तो मैं क्लैरिफाई जी आओ। सगे भाई से भी आमिर जो है मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़ के है, मेरे छोटे भाई है, मेरी जान है, लखते जिगर है, बहुत ही प्यारे इंसान है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कमेंटों में खाली वही आ रहा कितने प्यारे हैं, कितने क्यूट है, लेकिन आप कभी इंशाल्लाह सामने से देखे बाद से कमेंट नहीं करेंगे आप। अली तो भाई मैं स्टिल सिंगल हूँ और ये गर्लफ्रेंड्स वगैरह के अभी तो ये चक्कर्स में नहीं पड़ना है, क्योंकि एक सॉलिड एक प्लेटफॉर्म बना के कुछ भी एक बेहतरीन अचीवमेंट मेरा एक गोल है वो अचीव करे तक मैं ये डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाऊँगा इंशाल्लाह। तो जब एक अच्छा एक मैं जब एक कामयाब और अपने जैसा स्टैंड ले लेता हूँ, मैं अपने पैरों पर ठहर जाता हूँ, जब ये सब देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, वो सब मेरे पेरेंट्स के हाथ में इंशाल्लाह, जहाँ बोले ना वहाँ करना। तो घमंड में मैं तो ऐसा कभी, भाई ये क्वेश्चन किसका है? शेख इब्राहिम भाई, मैं कभी किसी को घमंड नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं हूँ खुद डाउन टू अर्थ पर्सन, जैसा कि जितने भी लोग मेरे से मिले वो खुद भी जानते। अगर ऐसा आपको एट ए पॉइंट कभी दिखा कि ऐसा मैं कुछ एक सिचुएशनली कुछ वहाँ पर ऐसा क्रिएट हो गया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं घमंड ही नहीं हूँ, आप किसे भी पूछ सकते हैं, मेरे जितने भी व्यूवर्स है और हम लोग के जितने भी देखने वाले हैं सुनने वाले हैं, तो इतना ही क्लैरिफाई करना था बस। थैंक यू सो मच। ऑफकोर्स करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई वल्गर कंटेंट वगैरह कभी हम लोग अब्यूजिंग कंटेंट वगैरह शो नहीं करते, और ऐसे कंटेंट्स करते हैं जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उसमें कुछ सीख रहती, चाहे हम लोग शहबाज खान वीडियो पे करिए या चाहे किराक हैदराबाद इसके वीडियो पे करें, दोनों भी हम लोग मोस्टली इतना कोशिश करते कि एक कुछ मोटिवेशनल मैसेज आप लोगों तक पहुँचा सके। जी, साफ सुथरा नीला धुला के कॉमेडी करने की कोशिश करते, तो कुछ भी हम लोग वल्गैरिटी स्प्रेड नहीं करते, आप लोग उसमें देख सकते। और हम लोग को लोग यही खुद बोलते कि आप लोग के वीडियोस इतने मोटिवेशनल और मैसेजेबल रहते, हम लोग को बहुत पसंद आते, और मोस्ट ऑफ दी छोटे बच्चे जो है ज़्यादा इंस्पायर होकर वीडियोज़ देखते, जैसा कि सभी को पता है। तो ये क्लैरिफाई था सार स्टेटस का। अलीशा खान, मेरी यूट्यूब जर्नी तो टू लॉन्ग है, बट मैं इनको एक शॉर्ट वे में बता देता हूँ। मैं मे बी लाइक मेरे 8th या 7th क्लास से मैं शहबाज भैया के साथ हूँ। जब बच्चा था मैं, मेरे को बोलने भी नहीं आता था, तो मैं शहबाज भैया को ऑब्जर्व करते 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 मेरे को फिर शहबाज भैया आगे चल के चांस दिए, तो मेरी इंस्पिरेशन शहबाज भैया है और मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। हम लोग एक नॉन क्लियरिटी में वीडियोस करते थे जब एकदम, तो वहाँ पर से मेरे को शहबाज भैया ये डायलॉग आप बोलिए करिए बोले, तो मैं मेरी कोशिश करा था, तो शहबाज भैया को अच्छा दिखा, तो मेरे को वहाँ से जो है शहबाज भैया पुशअप करे और मेरे को यहाँ तक की मेरी जर्नी शहबाज भैया के थ्रू हुई। तो मेरी इंस्पिरेशन शहबाज भाई और मेरे मेंटर सभी इमरान भाई और आतिफ भाई, सभी मेरे मेंटर्स हैं और इंस्पिरेशन शहबाज भाई है। सईद हमीदी साहब, ये वीडियोस में नहीं दिखने के ताल्लुकात से मैं बता दूँ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का अभी जो है राइट नाउ मामला दबा के चल रहा, तो हम लोग खुद एक लाइक अवेयरनेस या सोशल मैसेज देते कि ज़्यादा गैदरिंग मत करिए, तो अगर हम लोग फिर 5-6 पूरे आर्टिस्ट एक साथ में होके गैदर करें, तो तभी भी आप ला नीचे कमेंट करते कि अरे भाई
आप ना सोशल डिस्टेंस करो बोल रहे, फिर ये क्या है। तो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन ऐसा हुआ कि मैं वीडियोस में नहीं आ सका। इंशाल्लाह शहबाज भैया बोले मैं तुम्हारा को छोटा देता हूँ, यहाँ घर में बैठ के बोल लो, वो ऐड करके अपन क्या है छोड़ेंगे ग्रुपों में बोल के बोले, तो देखेंगे आगे इंशाल्लाह मैं दिखूंगा आपके साथ। और लड़ाई झगड़ा इंशाल्लाह ना हमारा कभी हुआ, और अल्लाह से ये दुआ है कि कभी नहीं होगा। और वो तो मुश्किल बात है क्योंकि कुछ भी रहा तो हम खुद जाके बात कर लेते हैं, या कुछ भी रहा तो शहबाज भैया बुला के बात कर लेते हैं हम लोग से, वो क्लैरिफिकेशन हो जाता। बस दुआ करिए हमारी दोस्ती के लिए। तो मैं सभी से फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से टू यू एंड योर फैमिलीज। दुआओं में याद रखिए मेरे को, मेरे पेरेंट्स को, और मेरी भाइयों को, मेरी टीम को, सभी को आप लोग दुआओं में याद रखिए। और खुसूसी दुआ करिए ये एक जो ख़तरनाक डिजीज़ अभी जो फैल रहा कोरोना वायरस, उसके लिए सबके लिए दुआ करिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं उसके तरफ से जो एकदम नीडी पीपल से जो वाकई मददगार लोग हैं वो लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है इससे, तो वो लोग के लिए भी दुआ करिए। और रही बात मेरे को जितने भी लाइक ग्रीटिंग्स और विशेष वगैरह आते, तो सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, ऐसे ही आपका साथ बनाए रखिए, और मेरे को ऐसे ही चाहते रहिए, प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच। और एक मेरी तरफ से बोले तो शहबाज भाई बोल लो एक छोटा, बस खाली मेरे को फ़ोन नंबर्स वगैरह के भोजन है, ये रिसेंटली जो भी हम लोग की एक्टिविटी चल रही थी उस पर बोले तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, आप लोगों को जैसा कि मालूम है। तो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है @AmirBinSaeed, अगर आप कुछ भी रहता हूँ अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त लतीफ प्रिंस। वालेकुम अस्सलाम हाजी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप जो भी मेरी तारीफ करें, तो जितनी भी एक्टिंग यहाँ से भी निकलती तो शहबाज भाई का कमाल है भाई, उन्होंने जितना भी जो बोले वो करना पड़ता हमारे को। आयान ग्रुप से है ये लतीफ भाई, बस नाम ही काफ़ी है। हट बाजो आया शेर मुशायरा का वीडियो पाकिट शर्फू सुपर थी, जान डाल दिए वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आर्यन ग्रुप के जिद्दा से है, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो मुशायरे का वीडियो था, जब स्क्रिप्ट लिखी गई थी शहबाज भाई, तो मेरे को सोच के लिखे थे, कहते भाई आप ही करना है ये एक्टिंग बोल के, तो सक्सेस गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत वीडियो को आगे बढ़ाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शेख इब्राहिम भाई, आमिर भाई हमेशा घमंड में क्यों रहते हैं, और लतीफ़ भाई कुछ खाते क्यों नहीं, हमेशा गले ही रहते हो। तो शेख इब्राहिम भाई को मैं कहना चाह रहा हूँ, भाई आप खाते नहीं कुछ ऐसा बोल रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं हर चीज़ खा के देखा, कहीं कहीं जगह जाके भी मैं कुछ ऐसे मायने भी कराया, लेकिन कुछ इम्पॉसिबल नहीं हुआ हो। बहुत पिक्चरों में करा मैं हैदराबाद मूवीज़ में, लेकिन मुझे फेम नहीं मिला। लेकिन ये शहबाज भाई के चैनल किराक हैदराबाद, इस पर जिम का कोचर बोल के एक वीडियो आया था मेरा, उस दूसरे दिन से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पहचान हुई, इतना फेम मिला, बहुत लोग मेरे को पहचानने लगे ये वीडियो के जरिए। मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ हमारे शहबाज भाई का। बात तो एक ऐसी हो गई, हमारे माजिद एक्स माजिद हुसैन मेर साहब नामपल्ली के, उन्होंने एक दावत में देख के बोले कोचर इधर आओ बोले, तो मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे कई कई लोग मेरे को कहीं भी मिलते कोचर साहब बोलते हैं। और हमारे और एक हाल ही में मुशायरे का वीडियो आया था हम लोग का पाकिट शर्फू का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फेम दिया। और हमारे वो टेलर का एक नूर भाई का वीडियो आया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तो अरे अरे NDTV नेशनल टीवी पे आया हमारा, उसमें भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार इतना मिलता, मेरे भी फैन फॉलोइंग इतनी है बोल के मेरे को अभी तक पता नहीं था, लेकिन शहबाज भाई की बदौलत मैं ये मुकाम पे पहुंचा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे शहबाज भाई की टीम का और शहबाज भाई का, ये मेरे को इतना फेम मिला। और एक कमेंट है नोमन, अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ भाई, तुम्हारा वो पहला चैनल था वो क्यों नहीं आ रहा भाई? हमारे नोमन भाई वालेकुम अस्सलाम, वो चैनल हैदराबादी मौज मची मैं भी चला था, लेकिन उसमें मेरे को कुछ ऐसा बहुत मेहनत करा, फेम नहीं मिला, और उसके अलावा मेरी टीम नहीं थी। दूसरी बात, हमारे शहबाज भाई एक बार मेरे को ऑफिस को बुलाए थे, भाई हम लोग पुराने साथी है, उन्होंने भी हैदराबाद बहुत मूवीज़ करे, तो वहाँ पर मुलाकात हुई थी, तो हम लोग एक वीडियो करेंगे बोल के ऐसा प्लान करे उन्होंने,
एक आध वीडियो करके देखेंगे बोल के एक दो वीडियो बनाए मेरे जरिए, तो उनको मालूम होगा अल्हम्दुलिल्लाह इनको इतना बड़ा टैलेंट दिया अल्लाह ताला ने, तो कोई बंदे को देख लिए तो उन्हें पहचान लेते कि ये बंदा क्या चीज़ कर सकता, कौन सा कैरेक्टर कर सकता, कॉमेडी कर सकता, विलन का कर सकता या इमोशनल कर सकता कौन सी, तो बहुत बड़ा करम है अल्लाह का उनके ऊपर। तो मेरे को दो तीन वीडियो में लेने के बाद उनको मालूम होगा, उसके बाद उनको टीम में मेरे को जोड़ दिए, काम चलतेगा। पहली बात तो मैं एक्टिंग क्लासेस तो नहीं गया, तो अल्लाह के नेचुरल है ये मेरा। और एक चीज़ क्या है बोले तो एक्टिंग में ऐसा तो मेरा चैनल था हैदराबादी मौज मस्ती, उसमें लोगों ने मेरे को एक्सेप्ट नहीं करा तो उसमें मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी। तो बोलते ना वो बंडी पे बर्फ मिल गया तो उन्हें घसता करते, तो शहबाज भाई वही काम कर दिया हमारे को ले ले गए। उनको मालूम था ये बंदे का ना टैलेंट है, इसको मैं संभाल सकता हूँ, वही लेके कुछ कर सकता हूँ बोल के उनके पास मैं जैसा जुड़े आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पहचान हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त हैदर। शहबाज भाई से फर्स्ट टाइम हमारे एक स्कूल के दोस्त है, उन्होंने मेरे को मिलाए थे शहबाज भाई से, तो एक होटल की ओपनिंग थी तो वहाँ पे मिला था मैं शहबाज भाई से। ओपनिंग के बाद हम लोग की बातचीत हुई और हंसी मजाक, बहुत हंसी मजाक हुआ। तो उस टाइम पे लाइक शहबाज भाई बहुत हंसे थे मेरे बातों को लेके, तो उनको लगा शायद, मतलब उनको कुछ ऐसा मेरे अंदर कुछ है टैलेंट जो मैं कर सकता हूँ, उनको ऐसा लगा। और हमारी मुलाकात ऐसे ही बढ़ते गई आगे, और बढ़ते बढ़ते फिर शहबाज भाई एक बार मेरे को चांस दिए वीडियो में, तो ऐसे यूट्यूब का जो है करियर ऐसा स्टार्ट हुआ। जो शहबाज भाई को मैं उस्ताद मानता हूँ आज भी और हमेशा, तो शहबाज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे को इस काबिल समझे कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और उन्होंने जो मेरा टैलेंट देखे मैं नहीं देख सका, उन्होंने जो भी मेरे अंदर का टैलेंट था बाहर निकाल के मेरे सामने रख दिए कि भाई आप ये कर सकते हो बोल के। तो शहबाज भाई से ही मेरे को हिम्मत मिली और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत खुशी होती कि मैं शहबाज भाई के साथ काम करता हूँ और हमेशा आगे इंशाल्लाह करता रहूँगा। जहाँ तक इंस्पिरेशन का सवाल है, बचपन में लाइक पहली मूवी आई थी हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री की द अंग्रेज, बहुत चली थी वो। उसमें अजीज नासिर साहब और सलीम फेकू, वो जो कैरेक्टर्स थे बहुत से। फिर उसके बाद यूट्यूब पे आना शुरू हुए चैनल्स लाइक यूट्यूब पे, फिर उसके बाद मैं शहबाज भाई का भी चैनल बहुत देखता था और दूसरे यूट्यूबर्स का भी, बट शहबाज भाई की मिमिक्री और उनकी टाइमिंग वगैरह वो बहुत अच्छी दिखती थी मेरे को, तो उनसे भी बहुत 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 ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला मेरे को। और जैसे कि मैं बोला कि मेरे उस्ताद हैं उन्हों, तो उन्हों बहुत कुछ सिखाया मेरे को मिलने के बाद। जैसे कि नेचुरल एक्टिंग जो बोलते हैं ज़्यादातर वही बोलते हैं कि मतलब नेचुरल एक्टिंग करता हूँ मैं, तो शहबाज भाई से मैं वो चीज़ सीखा जो कैरेक्टर में वो कैरेक्टर को अपना के जब वो डायलॉग बोलते तो वो नेचुरल एक्टिंग हो जाती। अगर आप कैरेक्टर में नहीं जाएंगे फिर आप उसका डायलॉग जो भी है डायलॉग बोलेंगे तो वो बनावटी दिखता, तो शहबाज भाई वो चीज़ करते। जैसा कि आप कादर खान साहब की मिमिक्री कर रहे, जब उनका एक्शन के हाथ का मूवमेंट, और अमरीश पुरी साहब की जो मिमिक्री करते उन्होंने तो उनके आँखा जो उन्होंने फाड़ के और मुंह जैसा बनाते, तो वो कैरेक्टर में अगर कम्प्लीटली चले गए तो नेचुरल एक्टिंग हो जाती। उनसे सीखा मैं वो देख के उनको, और इंशाल्लाह आगे भी सीखते रहेंगे और आगे भी उनके साथ काम करना है, और बस यही सोचा है आगे का और कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितना हो सके शहबाज भाई के साथ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, जहाँ तक गए वहाँ तक। तो ये था हमारा Q&A वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा और हम लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के जवाब देने की। उम्मीद है आपका जवाब आपको मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो इंशाल्लाह अगले साल तक ठहर जाओ फिर करेंगे, अपने साथ कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन होने थोड़ी कम है। ज़रा दबा के शेयर मारो, भाई बहनों में ज़रा छोड़ दे जाओ, ग्रुपों में छोड़ो वीडियो
और सब्सक्राइब करो बोल के बोलो, जल्दी 1 मिलियन आते किराक हैदराबाद इस पे भी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। दुआ में याद रखिए, रोजों का जो है पाबंदी से रोजे रखिए, इबादतें करिए और लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपने बस्ती वालों का, अपने देश वालों का ख्याल रखो, बाहर जाके खो करके वायरस नक को फैलाओ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।